नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे का स्पेशल क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे कि झील के अंदर मछलियां जीवित कैसे रहती हैं यदि झील जम जाए फिर भी। तो देखिए, हम आपको इसको समझाने के पहले थोड़ा सा दो मिनट आपको समझाना चाहेंगे कि घनत्व क्या होता है और आयतन क्या होता है, क्योंकि पूरा मामला घनत्व और आयतन का ही यहाँ है। तो घनत्व और आयतन अगर समझ में नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि तालाब या झील का जब ऊपरी हिस्सा जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो भी मछलियाँ नीचे जीवित कैसे रहती हैं। तो घनत्व और आयतन का कॉन्सेप्ट है। तो घनत्व और आयतन, अंग्रेजी में इसको डेंसिटी बोलते हैं और इसको वॉल्यूम बोलते हैं। डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये क्या है? घनत्व को अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो सघनता को घनत्व कहते हैं। जो वस्तु ज्यादा सघन होगी यानी कि घनी होगी, कहा जाएगा कि उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, और जो वस्तु बहुत विरल होगी, जिन कणों से मिलकर के बनी है, वो कण बहुत दूर दूर फैले होंगे, तो कहा जाएगा कि वो विरल है यानी उसका घनत्व कम है। और आयतन का मतलब कि वो कितना स्थान घेरती है। स्थान घेरना का मतलब जमीन पर भी और जमीन के ऊपर भी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए ये पांच बालू के कण हैं, ये पांच बालू के कण हैं, इन्होंने इतना स्थान घेरा है। अब यही पांच बालू के कण मैं दूर दूर कर देता हूं तो ये इतना स्थान घेर लेंगे। अब देखिए, पांच ही बालू के कण और उसी नाप के, जो यहां थे वही यहां भी हैं, लेकिन दोनों जगह फर्क क्या हुआ? यहां पर नजदीक नजदीक कण थे यानी कि घने थे, यानी कि इसका घनत्व ज्यादा था। यहां पर घनत्व ज्यादा है लेकिन आयतन कम है। आयतन कम का मतलब इसने जगह कम घेरी है, जबकि इसके कण बहुत अधिक सटे हुए हैं, घने हैं। अब यही चीज यहां जब देखा जाए तो इसके कण दूर दूर हो गए, तो यहां जो घनत्व है वो क्या हो गया? कम हो गया। घनत्व कम हो गया लेकिन आयतन यहां पर ज्यादा हो गया, यानी इसने स्थान ज्यादा घेर लिया। तो अब एक बात आपको समझ में आ गई कि जिस वस्तु का घनत्व कम किया जाए उस वस्तु का आयतन बढ़ जाता है, और जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा किया जाए उसका आयतन कम हो जाता है। यानी घनत्व और आयतन एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विपरीत हैं। अब आइए यहां पर, यहां हम देखते हैं कि पानी और बर्फ, ये क्या है? बर्फ है, और नीचे क्या है? पानी है। यानी बर्फ और पानी का कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझिएगा, एकदम व्यवहारिक है ये। ये जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ है इधर और जो थोड़ा सा निकला हुआ है आगे इधर, ये दिखा रहा है कि ये पूरी आपकी जमीन का हिस्सा है, यानी धरती के नीचे का स्थान है ये पूरा, और ये धरती के ऊपर का, यानी ऊपर वायुमंडल है और नीचे यहां से धरती है। तो जाहिर सी बात है कि झील है तो धरती के काफी नीचे तक होगी, क्योंकि धरती में ही झील होती है, तालाब होता है, नदी होती है। अब ठंडी के मौसम में यानी कि सर्द ऋतु के मौसम में जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री या फिर 0 से कम, -1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर इससे भी कम, यानी कहने का मतलब कि यहां का जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या फिर 0 से भी कम हो गया, माइनस में चला गया, उस समय क्या होता है कि ये जो पानी का तापमान है वो सामान्यतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पानी का जो वास्तविक तापमान है वो ज्यादातर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, वैसे ही पानी का तापमान 4 डिग्री। अब वो अलग बात है कि उसको आप बॉयल कर देंगे तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, उसको फ्रिज में रख देंगे तो उसका तापमान घट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन पानी सामान्यतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही होता है।
अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो आयतन है वो सबसे कम होता है और उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। तो जब यहां पर ऊपर वायुमंडल का तापमान 0 से कम हो गया या फिर 0 हो गया, तो ये तापमान यानी कि ये हवाएं इस झील के पानी से बार बार टकराती रहेंगी, और जब बार बार टकराएंगी तो इन हवाओं के संपर्क में आने से झील के ऊपरी हिस्से का पानी भी ठंडा हो जाएगा यानी 4 डिग्री से कम हो जाएगा और धीरे धीरे 0 डिग्री पर आ जाएगा और ऊपरी हिस्से में टोटल क्या हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी। जैसे ही ऊपरी हिस्से में बर्फ जमेगी, बर्फ की एक विशेषता है कि वो तापमान को अपने पार नहीं होने देता, यानी जो उसके नीचे का तापमान अभी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी अभी भी यहाँ पानी है उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस तापमान को ये बर्फ ऊपर नहीं जाने देगा और ऊपर का जो तापमान माइनस में है वो नीचे नहीं आने देगा। तो ये एक लेयर बन जाएगी और नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा और ये 0 हो जाएगा और ऊपर भी 0। तो जो मछलियाँ हैं जैसे पहले पानी में थी 4 डिग्री तापमान पे, वैसी ही अभी भी हैं, बस ऊपर नहीं जा पाएंगी लेकिन यहाँ पर रहेंगी। जैसे ही बर्फ पिघलेगी यानी यहाँ का तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, वैसे ही मछलियाँ ऊपर चली जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि आखिर ये बर्फ जब ऊपर जम गई तो ये तो पानी पर ही है ना, तो इसको तो डूब जाना चाहिए पानी में, ये पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है? क्योंकि सामान्यतः पानी में कोई भी ठोस पदार्थ अगर डाला जाए तो वो डूब जाता है। बर्फ भी तो ठोस है तो वो क्यों नहीं डूबा? तो उसका कारण ये है कि जब बर्फ जम जाती है यानी जब बर्फ पानी बर्फ हो जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और पानी का घनत्व ज्यादा रहता है। सामान्यतः दुनिया की कोई भी वस्तु जब उसको गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम होता है और जब ठंडा किया जाता है तब उसका घनत्व बढ़ता है। लेकिन यहां पर ठंडा होने पर इसका घनत्व कम हो रहा है यानी ठीक उल्टा। तो इसे पानी का अप्रसार गुणांक कहते हैं, इसे पानी की अलग विशेषता कहते हैं। ये कभी हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से सिखाएंगे। अभी यहां पर आप केवल ये समझिए कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका मतलब कि आयतन ज्यादा होगा यानी ज्यादा स्थान घेरेगा और इसका आयतन कम होगा। सही बात है। आपने नोटिस किया होगा या पढ़े होंगे, कहा जाता है कि लोहे की पाइप में अगर पानी जम जाए तो पाइप फट जाती है, या शीशे की ग्लास या बोतल हो उसमें पूरा पानी भर करके उसको फ्रिज में रख दिया जाए पूरा बंद करके तो वो फट जाता है। इसका कारण ये है कि जब पानी जमता है, बर्फ बनता है, तो बर्फ का आयतन ज़्यादा हो जाता है और घनत्व घट जाता है। तो जब आयतन ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा स्थान चाहिए, लेकिन वो शीशे का बना है उसका बॉटल तो वो जगह नहीं दे पाता इसलिए वो फट जाता है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि बर्फ जब आयतन ज़्यादा ले लिया, उसका घनत्व कम हो गया, तो वो ऑटोमेटिक अपने से कम घनत्व, अपने से ज़्यादा घनत्व वाले में वो तैरेगी, कभी डूब ही नहीं सकती। तो पानी पर वही वस्तु हमेशा तैरती है, नहीं डूबती, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जिस भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो जाएगा वो वस्तु डूब जाएगी पानी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो भी आपको समझाना चाहा आपके समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि पानी के बारे में हम और विस्तार से जानें कि पानी का आखिर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम इसे ठंडा करते हैं तो इसका आयतन बढ़ता है, सामान्यतः वस्तुओं को ठंडा करने पर उसका आयतन घट जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।